नए कोच गौतम गंभीर और नए T20 कप्तान सूर्यकुमार यादव की नए नवेली टीम इंडिया ने जीत के साथ शुरुआत की है। पल्ली केल में श्रीलंका के खिलाफ पहला T20 मैच हुआ और अगर सिर्फ श्रीलंका की पारी के शुरुआती 10 ओवर को छोड़ दें तो कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि टीम इंडिया हल्का सा भी पैनिक कर रही है। नए कोच और नए कप्तान ने अपने पहले ही मैच में कुछ ऐसे फैसले भी लिए जो मजेदार रहे और उनका नतीजा भी अच्छा ही गया। IPL में राजस्थान रॉयल्स के लिए कमाल करने वाले रियान पराग को टीम इंडिया में एंट्री मिली है। T20 वर्ल्ड कप 2024 खत्म होते ही टीम इंडिया ने अब मिशन 2026 की भी तैयारी कर ली है और इसका पहला चरण श्रीलंका दौरे पर शुरू हुआ। इस मैच में कमाल तो तब हुआ जब ये लग गया था कि अब टीम इंडिया जीत ही जाएगी क्योंकि श्रीलंका के लिए टारगेट बड़ा होता जा रहा था। तब सूर्य कुमार यादव ने रियान पराग से बॉलिंग करवाई। टीम इंडिया ने श्रीलंका को 214 रनों का टारगेट दिया। 15 ओवर तक श्रीलंका 160 के आसपास था। जब बॉल पिच पर थोड़ा रुक रही थी तब लगा कि तेज गेंदबाज से ज्यादा यहां पर स्पिनर काम कर सकता है। अक्षर पटेल ने एक छोर से माहौल बनाया हुआ था और रवि बिश्नोई के ओवर खत्म हो गए थे तो सूर्य ने एक नया इक्का फेंका, रियान पराग को ओवर दिया गया। बल्लेबाजी में वो तो इस बार कोई कमाल नहीं कर पाए थे, उनके पास मौका था कि बॉलिंग में कोई कमाल कर दे। रियान पराग के ओवर की पहली ही बॉल पर विकेट गिरा लेकिन ये रनआउट था। फिर चौथी बॉल पर रियान पराग ने मेंडिस को क्लीन बोल्ड कर दिया। 17वां ओवर धमाकेदार रहा। अब श्रीलंका पर प्रेशर बढ़ गया था और 20वां ओवर भी सूर्य ने रियान को ही दिया। क्योंकि कोई प्रेशर नहीं था तो रियान पराग ने मजे में बॉलिंग की और 2 विकेट और निकाल दिए। सिर्फ 8 बॉल में 3 विकेट निकालकर रियान पराग ने पूरा गेम ही पलट दिया। जो मैच शुरुआत में टक्कर वाला लग रहा था वो खत्म होते होते एक तरफा हो गया। श्रीलंका का 2रा विकेट 140 पर गिरा था लेकिन उसका 10वां विकेट 170 के स्कोर पर गिरा। श्रीलंका के इस कोलैप्स ने टीम इंडिया का काम आसान कर दिया। मैच के बाद रियान पराग ने कहा कि मैं भी नेट प्रैक्टिस में इस तरह की बॉलिंग की प्रैक्टिस कर रहा था और कोशिश लगातार कर रहा था कि सिर्फ स्टंप पर ही बॉल रखी जाए और गौतम गंभीर ने भी यही कहा था लेकिन मैच में इस तरह ये काम आएगा ये मालूम नहीं था। नए कप्तान सूर्यकुमार यादव भी खुश हैं क्योंकि एक बल्लेबाज अगर आपको इस तरह के ओवर दे देता है तो राहत तो मिलती है और खुशी भी मिलती है क्योंकि कप्तान का काम आसान हो जाता है। सूर्य और गंभीर का पहला दाम तो सही बैठा है, लॉन्ग टर्म में इसका क्या फायदा होता है ये आगे ही पता लगेगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।